अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी और आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो रही होंगी। और आपके लिए खैर की दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानात में कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता फरमाए। जैसे कि जो पहले से लोग हमारे चैनल पे आते हैं उन्हें पता है कि इल्मी हब जो चैनल है ये एजुकेशनल मटेरियल से रिलेटेड है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर की जाती हैं। अब हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। पहले हम लोग ये करते थे कि कंटेंट जो कि ilmihub.com से हम लोग पढ़ते थे और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख देते थे ताकि जिसको वो कंटेंट चाहिए वो उस पर क्लिक करके उस कंटेंट पे जा सकता है, उसको कॉपी कर सकता है और उसको पढ़ सकता है और उसकी तैयारी भी कर सकता है। तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम जो कंटेंट जिसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि उसकी थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी हम लोग वीडियो में शेयर कर देते हैं। तो अगर ये तीन तरह की एप्लीकेशन है, इसमें स्कूल के लिए है, इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए है और इसमें जॉब करने वाले लोगों के लिए है। जो जॉब करते हैं वो इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों को सिर्फ ये एप्लीकेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। और जो लोग इसको मतलब हमारे साथ रिपीट करना चाहते हैं कि इसकी वो मीनिंग वगैरह भी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग वगैरह, वो भी मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं कोशिश करूँगा बताने की, तो वो रुकें और पूरी वीडियो को देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे या जो पहले भी आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जो एजुकेशनल वीडियोस हों उनके आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें। और अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है या आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई मटेरियल चाहिए या मैं वीडियो में कोई मिस्टेक करता हूँ, कोई गलती करता हूँ मीनिंग बताने में या कोई ट्रांसलेशन में, तो काइंडली वो ज़रूर हाईलाइट कर दें कमेंट बॉक्स में। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्कूल के लिए है सिस्टर कज़न मैरिज लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल। वो ऊपर वाला पैटर्न जो आपके कंट्री के हिसाब से, अगर वो पाकिस्तान में या इंडिया में, तो ये पैटर्न आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कंटेंट की तरफ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोद बना यानी अदब के साथ गुजारिश है, मोद बना गुजारिश है। इट इज़ स्टेटेड दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कज़न, मेरे कज़न की जो शादी की तकरीब है, इज़ गोइंग टू बी अरेंज ऑन 20/10/2019 को। तो मेरी जो कज़न की शादी है वो 20/10/2019 को होने जा रही है, इज़ टू बी गोइंग टू बी अरेंज ऑन होने जा रही है। टू अटेंड दिस मैरिज, इस शादी को अटेंड करने के लिए आई हैव टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, या जो भी आपका सिटी हो आप लिख सकते हैं। इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड दैट, आज जाना दरख्वास्त है कि दो टू डेज लीव, ये आगे डेट आ गई, मे बी ग्रांटेड टू अटेंड दिस इवेंट, मंजूर की जाए इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। आई शैल फील वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड फेवर, मैं आपका इस मेहरबानी के लिए आपका एहसान मंद रहूँगा। दूसरी आ गई कॉलेज के लिए। कॉलेज में सब्जेक्ट भी लिखना होता है, इसलिए मैंने ऊपर वाला पैटर्न इसलिए नहीं लिखा कि नीचे भी वो पैटर्न चलेगा। सब्जेक्ट आ गया, लीव एप्लीकेशन टू अटेंड फैमिली फंक्शन। अच्छा, कोई भी ये तो हो सकता है। सर, आई एम अवैस अहमद, मेरा नाम अवैस अहमद है। अपना नाम लिखें यहाँ पे, स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। The wedding of my cousin, मेरी कज़न की शादी is set to be held on, इस डेट को होने तय पाई है। I have to leave outstation for this event with my entire family, मुझे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए outstation जाना पड़ेगा, शहर से बाहर जाना पड़ेगा अपनी सारी फैमिली के साथ। Due to this, इस वजह से I will be unable to attend my class for 3 days, इस वजह से मैं अपनी क्लास 3 दिन के लिए अटेंड नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर इस डेट से लेके इस डेट तक, मुझे जो है वो मेरी छुट्टी मंजूर की जाए। आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू इफ़ यू कंसीडर माय रिक्वेस्ट, अगर आप मेरी जो दरख्वास्त है इसको मंजूर कर लेते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद महसूस करूँगा।
आगे आ गया लीव लेटर टू फॉर कजन मैरिज और फॉर ऑफिस बॉस. ये जॉब करने वाले लोगों के लिए जो किसी फर्म में जॉब करते हैं और उन्होंने अपने बॉस के नाम पे लिखना है. तो ये ऊपर वो मतलब फर्म का नाम वगैरह आ गया, सब्जेक्ट हो गया लीव लेटर टू अटेंड कजन्स मैरिज. सर आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन योर फर्म. मैं आपकी फर्म में एज प्रोडक्शन सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ. ये अपना ओहदा जिस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं आप इसको रिप्लेस करेंगे. इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपको इतला देने के लिए है या आपको इतला दी जा रही है या मैं आपको इतला देना चाहता हूँ. आई हैव टू प्रोसीड टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा टू अटेंड माई कजन्स मैरिज, अपने कजन की शादी को अटेंड करने के लिए, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन इस डेट से लेके इस डेट तक, जो इस डेट से लेके इस डेट तक होने जा रही है. ही इज टू मी लाइक माई रियल ब्रदर, वो मेरे सगे भाइयों की तरह है. एज वी हैव स्पेंट आवर चाइल्डहुड टुगेदर, क्योंकि हमने अपना बचपन इकट्ठे गुजारा है. यानी वो कजन मेरे सगे भाइयों की तरह, क्योंकि असल रियल ब्रदर की तरह है, क्योंकि हम रियल भाइयों की तरह है, क्योंकि हमने अपना बचपन इकट्ठे गुजारा है. आई वॉन्ट टू अटेंड दिस मैरिज, मैं इस शादी में जाना चाहता हूँ विद माई होल फैमिली, अपनी सारे खानदान के साथ, अपनी सारी फैमिली के साथ. काइंडली मेहरबानी फरमाकर ग्रांट मी लीव फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड. मुझे मतलूबा, ये जो हमने ऊपर लिख दिया होगा पहले से, मुझे मतलूबा पीरियड या मतलूबा वक्त के लिए जो है वो छुट्टी दी जाए. आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा आपका फॉर दिस फेवर, इस मेहरबानी के लिए. इट विल बी योर काइंडनेस, ये आपकी मेहरबानी होगी. अच्छा, इसके बाद ये तो होगी आज की पोस्ट. मैंने कोशिश की है ट्रांसलेशन करने की, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगी. इसके बाद और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं. लीव एप्लीकेशन फॉर ऑन मैरिज टू मैनेजर, आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं. ब्रदर मैरिज के लिए यहाँ से, और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं इस सेक्शन में. तो इस सेक्शन की मज़ीद एप्लीकेशंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन राइटिंग पे, या फिर यहाँ से जाके एप्लीकेशन राइटिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. दूसरी सूरत यह है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्च में जाके. और इसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल में जा सकते हैं, गूगल में जाके एप्लीकेशन का लिखें और उसके आगे लिख दें इल्मी हब. तो भी ये देखें ऐसे, जैसे कि लीव, लीव एप्लीकेशन फॉर कजन्स मैरिज, कजन मैरिज और आगे इल्मी हब लिख दें. तो इल्मी हब लिखने से ये होगा कि जो सबसे ऊपर यहाँ से आपको ये मिल जाएगी. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद होगी. बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.